हाय, वेलकम टू वीएल लर्नर्स। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोर ओवर, हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स। नाउ लेट्स सॉल्व द सिक्स्थ पार्ट। अब इसको पहले हमको सिंप्लीफाई करना है। आइए इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम विल बी 6, सो दिस इज 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 2। इम्प्लाइज इसको मैं लिख सकती हूँ 9x माइनस 10y बाय क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज माइनस 12। ये देखिए, ये तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और इसको मैं इसको सॉल्व भी करना है। पर उससे पहले मैं जरा इसको भी सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यहाँ भी सिमिलरली मैं एलसीएम लेती हूँ। एलसीएम 6 हो गया, सो दिस इज ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई इक्वल्स टू 13/6। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 6 है, मैं कैंसिल कर सकती हूँ। और यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको ये कैंसिल करना होगा। अब नेक्स्ट इसका इम्प्लाइज दिस इज ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई इक्वल्स टू 13। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको फर्दर लिख सकती हूँ कि 9x इज इक्वल्स टू 10y एंड दिस इज माइनस 12। इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 10/9y माइनस 12/9 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए मैं इसको 3 से कैंसिल कर सकती हूँ। सो दिस इज 3 एंड दिस इज 4। दिस इज 10/9y माइनस 4/3। सो ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। हियर आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए मैंने जितना कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करने से सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी हो जाता है। अब हियर वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए 2 इंटू x की जगह मैं ये वैल्यू लिख देती हूँ जो आई हैव फाउंड इन टर्म्स ऑफ y। सो दिस इज 10/9y माइनस 4/3 प्लस थ्राइस y इक्वल्स टू 13। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज 2 इंटू 10, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की हूँ तो दिस इज 20/9y माइनस, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 8/3 प्लस थ्राइस वाई इक्वल्स टू 13। इम्प्लाइज अब जो y टर्म्स है यहाँ, ये देखिए ये दोनों y टर्म्स हैं, इसके साथ मैं कैलकुलेट करती हूँ। सो यहाँ मैं यदि y कॉमन ले लेती हूँ सो दिस इज 20/9 प्लस 3 इक्वल्स टू 13। ट्रांसपोज कीजिए, ये पॉजिटिव 8/3 हो जाएगा। इम्प्लाइज यहाँ मैं एलसीएम ले सकती हूँ 9, सो दिस इज 20 प्लस 27 इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ भी मैंने एलसीएम ले लिया है सो दिस इज 3 एलसीएम लिया है, सो दिस इज 39 प्लस 8 इम्प्लाइज दिस इज 47/9 इंटू वाई इक्वल्स टू, दिस इज ऑल्सो 47/3। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, दिस इज 47/3। यदि मैं साइड चेंज करती हूँ मैंने डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब मैं इसको फ्लिप करके लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ 9/47। अब देखिए इस 47 से इस 47 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 से मैं कैंसिल करूँगी तो ये 3 हो जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू मुझे मिल गई है एंड दिस इज 3। नाउ आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू 10/9 और इंस्टेड ऑफ y आई विल राइट 3 माइनस 4/3। अब देखिए इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ 3 से, दिस इज 3 इक्वल्स टू, दिस इज 10/3 माइनस 4/3। एलसीएम ले सकती हूँ 3 एंड सो दिस इज 10-4 विच इज इक्वल्स टू 6/3। अब इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ, आई विल गेट 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ मुझे मिला है, ये देखिए y की वैल्यू मुझे मिली है 3 और x की वैल्यू मुझे मिली है 2।
Hence, the required solution of this given pair of linear equations is x is 2 and y is 3. Answer. अब जरा वेरीफाई करके देखिए ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं. लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन. यहाँ हमें दो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिया गया, दैट इज दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और उसके बाद हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस 3. सो हमें यहाँ वैल्यू ऑफ m निकालनी है. तो सबसे पहले हमें एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है. तो आइए इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ और इसको मैं जरा सॉल्व करती हूँ. देखिए इसमें मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ. सो दिस इज x माइनस ट्वाइस y विच इज इक्वल्स टू आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू माइनस 12. हियर आई कैन कैंसल दिस 2 विद दिस 2. सो दिस इज x माइनस ट्वाइस y इक्वल्स टू माइनस 12. इसको मैं इक्वेशन 2 बोलती हूँ. अब इस इक्वेशन 2 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू ट्वाइस y माइनस 12. दिस इज चलिए इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं. हियर आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस इज 2 इंटू एक्स की जगह मैं लिखूंगी ट्वाइस y माइनस 12 प्लस थ्राइस y इक्वल्स टू 11. आइए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं. इम्प्लाइज लेट्स मल्टीप्लाई. सो दिस इज 4y माइनस 24 प्लस थ्राइस y इक्वल्स टू 11. सो दिस इज 7y इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज कीजिए, 11 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 35. अब यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं. देखिए इसको कैंसिल यदि मैं करती हूँ आई गेट 5. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5. हमें y की वैल्यू मिल गई. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. सो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू y की जगह मैं लिखूंगी, y की वैल्यू हमारी 5 है सो y की जगह मैंने 5 लिख दिया है, एंड माइनस 12. सो दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस 12. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 2. मुझे यहाँ x की वैल्यू मिल गई है और वो है माइनस 2. अब देखिए हमें यहाँ दो वैल्यूज मिल गई, दोनों वैल्यूज मिल गई है. x की वैल्यू भी मुझे मिल गई और y की वैल्यू भी मुझे मिल गई है. अब यही जो दो वैल्यूज है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी. ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये देखिए इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगी. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, चलिए इसको मैं इक्वेशन 4 मान लेती हूँ. इन इक्वेशन 4 वी गेट y की जगह मैं लिखूंगी 5 इज इक्वल्स टू m इंटू x, x की जगह मैंने लिखूंगी माइनस 2 प्लस 3. सिंस x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5. अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं. सो दिस इज 5 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस m प्लस 3. इम्प्लाइज दिस इज 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस m इक्वल्स टू, दिस इज 2 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस m. देयरफॉर m इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो देखिए हमें m की वैल्यू मिल गई. सो रिक्वायर्ड m की वैल्यू हमारी है माइनस 1. आंसर. थर्ड क्वेश्चन. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है, हमें उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है पहले, एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. अब यहाँ दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, इसमें दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. ये वी हैव टू फाइंड दिस नंबर्स. इसका मतलब ये हो गया कि सिंस यहाँ दो नंबर्स है, एक बड़ा है और एक छोटा नंबर है, सो लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y. Therefore, according to the question, it's given that
पहला कंडीशन में दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, सो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 26. फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर्म्ड. सेकेंड कंडीशन इज दैट वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर. तो इसका मतलब वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर नंबर तो थ्री टाइम्स अदर का होगा, सो ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स द स्मॉलर नंबर. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब देखिए हमें क्या निकालना होता है, वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल. यहाँ इक्वेशन टू में ये ऑलरेडी डन है, सो हमारा काम सो आसान हो गया. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, वी गेट एक्स की जगह मैं यहाँ थ्राइस वाई लिख दूंगी. सो दिस इज थ्राइस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 26 implies twice y is equals to 26. Therefore, यदि मैं cancel करती हूँ तो y की value मुझे मिल जाएगी 13. So, y की value मुझे मिल गई. Now, substituting the value of y in equation 2. So, x is equals to 3 into y की जगह मैं 13 लिखती हूँ. So, this is equals to 39. So, simple, इतना आसानी से हो गया ये. सो एक्स इज इक्वल्स टू 39, वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 13 और एक्स की वैल्यू 39 हो गया यहाँ. सो इसका मतलब ये हो जाता है, हेंस एक्स की वैल्यू, ग्रेटर नंबर की वैल्यू है 39 और स्मॉलर नंबर जो है वाई उसकी वैल्यू है 13. आंसर. हमें पता है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम होती है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन केस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम द ऑप्टेन सॉल्यूशन शुड ऑलवेज बी वेरीफाइड विद द कंडीशंस ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम एंड नॉट इन द इक्वेशन फॉर्म. जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हो सकता है कि जो इक्वेशन हमने फॉर्म किया है वर्ड प्रॉब्लम में, हो सकता है हमें फॉर्म करने में कुछ हमारी भूल हो गई हो, तो जब हम सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो हो सकता है हमें इनकरेक्ट हमारा सॉल्यूशन हो जाए. सो मैंने हमें परफेक्ट चीज़ चाहिए तो हमें इसका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा वेरीफाई करना है ओरिजिनल प्रॉब्लम से. अब आइए ओरिजिनल प्रॉब्लम में हम जरा देखते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. सो ग्रेटर नंबर है 39 और स्मॉलर नंबर है 13. अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, व्हाट आई विल गेट 26. ये देखिए दिस इज सॉल्व. नाउ गिवन दैट वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, स्मॉलर नंबर कितना है हमारा 13. 13 के साथ में यदि 3 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ मुझे ग्रेटर नंबर मिल गया. सो दिस इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.